अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हैं जलंधर बिल्डिंग इंटीरियर स्टोर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सरिया यानी कि स्टील के ताज़ा तरीन रेट अपडेट करने जा रहे हैं। मेरे पास इस वक्त लेटेस्ट जो रेट लिस्ट है वो आ चुकी है और अच्छी खासी तब्दीली देखने में आई है सरिया के रेट पर पिछले 3 से 4 दिनों के दौरान। दोस्तों एक्सपेक्ट किया जा रहा था पहले कि रेट्स हो सकता है डिक्रीज हों, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सरिया के रेट में पिछली अपडेट में मैंने आपको बताया था कि रेट्स बढ़े हैं और इस अपडेट में भी जो है सरिया के रेट में इजाफा देखने में आया है। कितना इजाफा हुआ है मैं आपको बताता हूँ ताज़ा रेट लिस्ट के मुताबिक। पहले मैं आपको रेट्स अपडेट कर दूँ, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कितना इजाफा हुआ है और आने वाले दिनों के हवाले से क्या अपडेट है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। उससे पहले आप दोस्तों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि दोस्तों ये हमारी वेबसाइट है jbms.pk। अब अगर आप किसी भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल का ताज़ा तरीन रेट किसी भी वक्त मालूम करना चाहते हैं तो सिंपली अपना मोबाइल ओपन करें, गूगल पर जाएं और jbms.pk लिखें, आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी। उधर से आप तमाम जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेने के ताज़ा तरीन रेट्स चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हो हमारे पेज को लाजमी फॉलो कीजिएगा और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। जी दोस्तों रेट लिस्ट में इजाफा देखने में आया है, मैंने आपको पहले बता दिया कि इजाफा हुआ है। दोस्तों हुकूमती पॉलिसीज जो है वो इस वक्त समझ में नहीं आ रही कि हुकूमत क्या करना चाह रही है। बहुत ज़्यादा बिजली के रेट्स में इजाफा कर दिया गया है, आपके गैस के रेट में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है, डॉलर का रेट एक मतलब फिर बढ़ रहा है। IMF से डील होने के बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि एटलीस्ट 2 से 3 महीने तो डॉलर के रेट स्टेबल रहेगा और डॉलर के जो रेट्स हैं हो सकता है डिक्रीज हों, और हुआ भी था लेकिन सिर्फ 2 से 3 दिन डॉलर का रेट 270 पर रहा, उसके बाद बढ़ना शुरू हो गया। डॉलर का रेट हम क्यों डिस्कस करते हैं? डॉलर का रेट इसलिए डिस्कस करते हैं कि भाई जो स्टील का रेट है ये बड़ा अफेक्ट करता है। अगर डॉलर की प्राइस कम होती है तो स्टील के रेट्स में कमी देखने में आती है, अगर डॉलर के रेट्स बढ़ते हैं तो स्टील का रेट बढ़ता है। उसकी वजह ये है कि रॉ मटेरियल जो है स्टील का वो बाहर से आता है जो पाकिस्तानियों को डॉलर में बाई करना पड़ता है, जिसकी वजह से डॉलर का रेट बड़ी अहमियत का हमल होता है स्टील के रेट के हवाले से। बाकी भी चीज़ों को अफेक्ट करता है लेकिन स्टील के रेट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं 7 और 8 सूत्र के 40 ग्रेड के सरी किस का रेट है। 250 रुपये पर के जी एन 2,50,000 रुपये पर मेट्रिक टन, और 7 और 8 सूत्र का जो 60 ग्रेड का सरिया है इसका रेट है 253 रुपये पर के जी एन 2,53,000 रुपये पर मेट्रिक टन। इसके अलावा 5 और 6 सूत्र का जो 40 ग्रेड का सरिया है इसका रेट है 250 रुपये पर के जी एन 2,50,000 रुपये पर मेट्रिक टन, और 5 और 6 सूत्र का जो 60 ग्रेड का सरिया है इसका रेट है 252 रुपये पर के जी यानी 252,000 रुपये पर मेट्रिक टन। 4 सूत्र का जो 40 ग्रेड का सरिया इसका रेट है 250 रुपये पर के जी एन 2,50,000 रुपये पर मेट्रिक टन, और 4 सूत्र का जो 60 ग्रेड का सरिया इसका रेट है 252 रुपये पर के जी एन 252,000 रुपये पर मेट्रिक टन। 3 सूत्र का जो 40 ग्रेड का सरिया इसका रेट है 252 रुपये पर के जी एन 252,000 रुपये पर मेट्रिक टन, और 3 सूत्र का जो 60 ग्रेड का सरिया है इसका रेट है 254 रुपये पर के जी एन 254,000 रुपये पर मेट्रिक टन। इसी तरह दोस्तों मेरे पास अमरेली स्टील की भी लिस्ट है, इसका जो 40 ग्रेड का सरिया है इसका रेट है 270 रुपये पर के जी एन 270,000 रुपये पर मेट्रिक टन, और अमरेली का जो 60 ग्रेड का सरिया इसका रेट है 272 रुपये पर के जी एन 272,000 रुपये पर मेट्रिक टन। इसी तरह डिफरेंट जो ब्रांड है उनकी रेट लिस्ट आप jbms.pk के विजिट करेंगे तो आपको मजीद जो ब्रांड है उनके भी रेट्स चेक कर सकते हैं आप इधर से। अब बात करते हैं कुछ लोकल में, कराची के 40 ग्रेड का सरिया इसका रेट है 244 रुपये पर के जी एन 244,000 रुपये पर मेट्रिक टन, और कराची का जो 60 ग्रेड का सरिया इसका रेट है 246 रुपये पर के जी एन 246,000 रुपये पर मेट्रिक टन। लाहौर का जो 40 ग्रेड का सरिया इसका रेट है 242 रुपये पर के जी एन 242,000 रुपये पर मेट्रिक टन, और लाहौर का जो 60 ग्रेड का सरिया इसका रेट है 244 रुपये पर के जी एन 244,000 रुपये पर मेट्रिक टन। इस्लामाबाद का जो 40 ग्रेड का सरिया इसका रेट है 243 रुपये पर के जी एन 243,000 रुपये पर मेट्रिक टन, और इस्लामाबाद का जो 60 ग्रेड का सरिया इसका रेट है 245 रुपये पर के जी एन 245,000 रुपये पर मेट्रिक टन। इसके अलावा दोस्तों पिशावर और गुजरांवाला के रेट्स भी आप jbms.pk को विजिट करेंगे तो आपको उधर से मिल जाएंगे। दोस्तों पाकिस्तान में इस वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने में आया, स्पेशली जो लोकल सरिया है या लोकल स्टील है इसके रेट में तकरीबन 8,000 रुपये पर मेट्रिक टन के हिसाब से इजाफा देखने में आया है, और ब्रांडेड स्टील में भी तकरीबन 3 से 4,000 रुपये पर मेट्रिक टन के हिसाब से इजाफा हुआ है, और आने वाले दिनों में मजीद इजाफे का इम्कान है। दोस्तों यदि मेरी आज की वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।